Aslam, everyone. This is Guide Chapter number forty three, and this part we the regarding hypoxia. So, what is hypoxia? It is a state in which oxygen is not available in sufficient amounts at the tissue level to maintain adequate homeostasis. Ji, hypoxia, aapke hai ki, oxygen ka level kam ho hai? So exactly where? एट द टिश्यू लेवल टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो उसे हम हाईपॉक्सिया कहते हैं अब टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन अवेलेबल क्यों नहीं है तो या तो एयर में ऑक्सीजन नहीं है या फिर वो लंग्स के अंदर नहीं ऑक्सीजन जा रही या फिर लंग्स से फिर ब्लड के अंदर नहीं जा रही या फिर ब्लड जो है वह लंग्स से टिश्यूज तक कैरी नहीं कर रहा या फिर फाइनली टिश्यूज ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं कर रहे सो so, या तो एयर में मसला है या फिर लंग्स के अंदर जा नहीं रही ड्यूर वेंटिलेशन नंबर थ्री या फिर वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रही ऑक्सीजन या फिर ब्लड कैरी नहीं कर रहा टिश्यूज़ तक और फाइनली या तो टिश्यूज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे सो दीज आर दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोक्सिया सो नंबर वन इज़ इन इनएडीकुएट ऑक्सीजनेशन जो कि बेसिकली एक्सट्रेंजिक रीजन है कि इन इनएडिकुएट ऑक्सीजनेशन हो रही है ओके नंबर टू कोई भी पल्मोनरी डिजीज़ है नंबर थ्री वीनस टू शंट्स, नंबर फोर इन एडिक्वेट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज़ बाय द ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का मसला है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़ एंड नंबर फाइव इन एडिक्वेट टिश्यू कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुँच तो रही है मगर टिशू में इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो उस ऑक्सीजन को यूज़ कर सके के okay, इनको एक एक को डिटेल में देख लेते हैं नंबर वन इज इन एडिकुएट ऑक्सीजनेशन इन एडिकुएट ऑक्सीजनेशन में पहली तो है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन डेफिशियन एटमॉस्फेयर यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही नहीं है तो लंग्स के अंदर क्या जाएगी ठीक है तो वो एक्सट्रेजिक रीजन की वजह से इनएडिकुएट ऑक्सीजनेशन होगी नंबर टू न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है और उस न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से आप सांस ले ही नहीं सकते मैं कहता हूँ जो डाइफ्राटिक मसल्स का पैरालिसिस हो गया है या रेस रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो गया है। ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है इस वजह से हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगी यानी कि पेशक ऑक्सीजन एयर में है मगर वो उस एयर को आप लंग्स तक लेके ही नहीं जा सकेंगे मैनुअली ओके अच्छा फिर अगली रीज़न आती है, है पल्मोनरी डिजीज पल्मोनरी डिजीज।, डिजीज में फाइनली तो यही है ना कि भाई कुछ ऐसा हुआ है लंग्स में कि ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड के अंदर नहीं जा रही दिस इज द पल्मनरी डिजीज सो नंबर वन इज हाइपोवेंटिलेशन वेंटिलेशन कॉज्ड बाई इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस और डिक्रीज पलमोनरी कंप्लाइंस अच्छा अब वही हाइपोवेंटिलेशन हो गई है मगर वो हाइपो वेंटिलेशन एक्सट्रेंजिक रीजन की वजह से नहीं है इंटरनल रीजन की वजह से हाइपो वेंटिलेशन क्या होती है हाइपो वेंटिलेशन ये होती है कि एयर का लंग्स के अंदर जाना और फिर लंग्स को एक्सहेल आउट करके उस एयर को बाहर निकाल देना दिस इज वेंटिलेशन तो ये प्रोसेस खराब हो गया क्यों फॉर इंस्टेंस इन द ए एयर रेजिस्टेंस बढ़ गई एयरवे रेजिस्टेंस किस में बढ़ती है इन द केसिस ऑफ एस्थमा इन द केसेज ऑफ सी ओ पी डी डिक्रीज पल्मनरी कंप्लायस डिक्रीज पल्मनरी कंप्लायंस कहाँ पे होती है ये पहला लेक्चर की तरफ हम चले वहीं उसमें दो दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी ऑब्सट्रक्टिव लंग डिजीज एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज तो ऑब्सट्रक्टिव लंग डिजीज में इक्रीज एयर वे रेजिस्टेंस थी बस्तव में और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में हमने डिस्कस किया था कि फाइब्रोसिस में कॉम्प्लायंस कम हो जाती है ठीक है नेक्स्ट इज एबनॉर्मल एब नॉर्मल एल्वियर वेंटिलेशन परेश आप कहते हैं जो एयर रेजिस्टेंस का भी मसला नहीं है कॉम्प्लायंस का भी मसला नहीं है मगर एलवियलर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो का मसला हो गया वही बात कि वेंट वेंटिलेशन भी जरूरी है और परफ्यूजन भी जरूरी है वेंटिलेशन क्या है वेंटिलेशन तो वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एयर का मूव करना लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर मूव करना वो वेंटिलेशन है और परफ्यूअन क्या है परफ्यून इज ब्लड परफ्यून ये भी हम कभी बड़ी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं अभी तक कि ब्लड सप्लाई कैसी है लंग्स की एयर आएगी उसमें ऑक्सीजन होगी उधर से ब्लड आएगा तो एक्सचेंज होगा बिटवीन एल्विओलाई एंड द ब्लड ठीक है तो अगर या तो वेंटिलेशन में मसला है या परफ्यून में मसला है तो फाइनली ऑक्सीजनेशन ब्लड की नहीं हो पाएगी अब नॉर्मल एलवी एलवीओला एलवेंटिलेशन परेशन ठीक है अब एक कंडीशन है कि खाली वेंटिलेशन कम है मगर परफ्यून सही हो रही है दूसरी कंडीशन है कि इसमें कम हो रही है मगर है मगर वेंटिलेशन सही तो ये दो है कंडीशन हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस और फिजियोलॉजिकल शंट फिजियोलॉजिकल शंट में क्या होता है कि ब्लड ऑक्सीजनेट हुए बगैर ही चला जाता है और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होती है के एयर आई मगर वहां ब्लड था ही नहीं तो वो एयर जाया हो गई ठीक है फिजियोलॉजिकल डेड वो एयर इनहेल तो हुई मगर वो ऐसे था कि जैसे कि किसी डेड स्पेस से ही हो क्या वहां पे ब्लड की सप्लाई नहीं थी ठीक है फिजियोलॉजिकल शंट क्या है कि ब्लड तो गया मगर वो ऑक्सीजनेट हुए बगैर ही निकल गया जैसे कि शर्ण्स में होता देन वी हैव डिमिनिश्ड रेस्पारेटरी मेमरी इंडिफ्यूजन रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन का ही कोई मसला है एज द केस ऑफ फाइब्रोस और निमोनिया जिसमें कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन उस मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द कम हो गई है जिसको अक्सर लैब्स uh, की फॉर्म में हम बोलते हैं डी एल सी ओ से डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से मयर करते हैं सिंसिपल वर्ड्स के रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ नहीं कर रही ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड तो पलमोनर ये भी पलमोनर डिजीज़ तो पलमोनर डिजीजे तीन तरह की होगी नंबर वन या तो हाइपर वेंटिलेशन हो रही है बिकॉज ऑफ एर रेजिस्टेंस या फिर हाइपर वेंटिलेशन हो रही है बिकॉज ऑफ डिक्रीज पल्मोनरी कंप्लाइंस या फिर एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन फ्यून रेशो है या फिर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का मसला है ठीक है ये तो लंग्स के मसले हो गए फिर यहाँ पे आते हैं तीसरे वीनस टू आर्टीरियल शंट्स वीनस टू आर्टीरियल शंट्स में क्या होता है अगर राइट टू लेफ्ट कार्डिक शंट हो जाए यानी कि ब्लड जाए राइट साइड ऑफ हार्ट में और वहाँ से राइट साइड ऑफ हार्ट से लंग कहाँ पे जाता है राइट right एट्रिया से राइट right वेंट्रिकल में जाता है और राइट right वेंट्रिकल से ब्लड जाता है इनटू द लंग्स लंग्स से ऑक्सीजनेट हो के ब्लड फिर जाता है इनटू टू द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट अब अगर राइट साइड ऑफ हार्ट में ब्लड तो आए मगर वो लंग्स में जाने की बजाय डायरेक्टली चला जाए इन द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट तो इसे हम कहते हैं राइट टू लेफ्ट कार्ड एक शर्ट यानी कि ब्लड आया मगर ऑक्सीजनेट हुए बगैर ही निकल गया तो इस केस में भी हाइपोक्सिया हो जाएगा ये सारी हम हाइपोक्सिया की रीजनिंग और हाइपोक्सिया की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ठीक है तो सारी ग हाइपॉक्सिया होगी हाइपोक्सिया क्लासिफिकेशन है उसके बाद जी इनएडिकुएट ट्रांसपोर्ट ऑफ इनएडिकुएट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज बाय द ब्लड अब यानी कि एयर में भी कोई मसला नहीं है रेस्पिरेटरी पैसेज वेज में भी कोई मसला नहीं था कॉम्प्लाइंस में, में भी कोई मसला नहीं है कोई हंड भी नहीं है मगर फाइनली और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली भी गई है मगर अब ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके जा नहीं रहा टूवर्ड्स टिश्यूज तो उसकी सिंपल सा इसका आंसर है नंबर वन एनीमिया और नॉर्मल हीमोग्लोबिन यानी कि अगर एनीमिया है हीमोग्लोबिन है ही नहीं तो हीमोग्लोबिन ने ही तो ऑक्सीजन को पकड़ के अपने ऊपर बिठा के टिश्यूज तक लेके जाना था तो इन द केस ऑफ एनीमिया और हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आपकी आ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू डिस्टर्ब हो जाती है ठीक है अच्छा अब इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकती है अगर आप कहेंगे नहीं जी एनीमिया भी नहीं है हीमोग्लोबिन भी ठीक है तो फिर सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी फॉर इंस्टेंस हार्ट फेलियर है या सर्कुलेटरी uh, किसी किस्म का भी मसला है क्योंकि अब ब्लड में ऑक्सीजन आ गई है हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन बैठ गई है मगर ब्लड ही सही तरह फ्लो नहीं कर रहा क्यों क्योंकि हार्ट ही पम्प कर रहा फॉर इंस्टेंस अगर हार्ट पंप ही नहीं करेगा ब्लड को तो टिश्यू तक तो जाएगा ही नहीं तो दिस इज द केस ऑफ जनरल सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी, ठीक है देन वी हैव लोकलाइज्ड सर्कुलेटरी कि किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर जी ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही तो आप उस स्पेसिफिक ऑर्गन की ब्लड सप्लाई में मसला जिस तरह के कॉर्नरी वेसल डिजीज है इन द केस ऑफ स्कीमिक हार्ट डिजीज उस स्पेसिफिक टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही और क्यों क्योंकि उसमें ब्लॉकेट आ गया देन वी हैव टिश्यू एडिमा जो टिश्यू एडिमा होता था वो भी जनरलाइज्ड उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन टूवर्ड टिश्यूज उसको इफेक्ट कर देती है सो दीज आर द कॉजेज फॉर इन एडिकुएट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज बाय द ब्लड ठीक है हीमोग्लोबिन का, का काम होना सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी होना जनरल जनरलाइज सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी होना लोकलाइज सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी होना एंड और टिश्यू एडिमा का होना ठीक है देन वी हैव इन एडिकुट टिश्यू कैकेपेबिलिटी ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन अच्छा ये थोड़ी सी नई चीज होगी आपके लिए कि मतलब अच्छा सारा कुछ ठीक है आई थिंग इज फाइन परफेक्टली एयर में भी ठीक है लंग में भी सही जा रही है बड्ड में भी सही जा रही है ब्लड उस ऑक्सीजन को टिश्यूज तक भी पहुंचा रहा है बट टिश्यूज उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे वाई टिश्यूज ऑक्सीजन को इस्तेमाल कितना करते हैं विद दी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन का काम क्या है वैसे टिश्यूज में जाके मेटाबॉलिक पाथवेज को ही एक्टिवेट करना है ना ठीक है अब अगर वहां पे एंजाइम्स ही काम नहीं कर रही या एंजाइम्स है नहीं या किसी भी वजह से हो गई है या एंजाइम्स काम नहीं कर रहे हैं जिन्होंने ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना था देर विल बी इन एडिकुएट टिश्यू कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन सो नंबर वन इज पॉइजनिंग ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन एंजाइम्स तो सेल के अंदर जो ऑक्सीडेटिव पाथवेज के जो एंजाइम्स हैं अगर उनकी पॉइजनिंग हो जाए तो आप यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती नंबर टू डेमेनिश्ड सेलुलर मेटाबॉलिक कैपेसिटी फॉर यूजिंग ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी जैसे कि पहले डिस्कस किया और वाइटामिन डेफिशिएंसीज और अदर फैक्टर्स अब अगर किसी सेल में कुछ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं जैसे कि वाइटमिन ठीक है अब वाइटामिन डेफिशिएंसी का मसला क्या होता है वाइटामिन डेफिशिएंसी बेसिकली कॉजेस के जो आपके मेटाबोलिक uh, पाथवेज के एनजाइम्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं ठीक है तो टिश्यू इज अनएबल टू यूटिलाइज ऑक्सीजन इन दोनों की एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइजनिंग एंड विटामिन डेफिशिएंसीज आर दीज पॉइजनिंग इज सायनाइड पॉइजनिंग पॉइजनिंग ऑफ सेलर ऑक्सीडेशन एंजाइम्स की एग्जाम्पल है सायानाइट पॉइजनिंग और जो दूसरी आ, आपके न्यूट्रेंट्स की डेफिशिएंसी उसमें है विटामिन बी डेफिशंसी जो कि कंडीशन कॉज करती है बैरी बेरी ठीक है अब सायोनाइड पॉइजनिंग क्या करती है साइनाइड पॉइजनिंग ये करती है कि एंजाइम होता है ऑक्सीडेटिव पाथवे का साइटोक्रोम ऑक्सीडेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है साइनाइड कहते हैं ना बड़ा लिथल पॉइजन है तो सायोनाइड ऐसा करता क्या साइड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को कहता है कि भाई जन काम करना बंद कर दो अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी ओके okay. नंबर टू वाइटमिन डेफिशंसी वाइटमेंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तो वाइटमेंस करते हैं या वाइटमिन डेफिशंसीज होता क्या सो वी आर डिस्कसिंग अ स्पेसिफिक केस ऑफ वाइटमिन बी डेफिशियसी चूँकि वाइटमिन बी बी डेफिशिय एक कंडीशन होती है जिसमें तो हम कहते हैं पैरी बैरी वाइटमिन बी बी सो बी फ्रॉम पेरी बैरी उसमें क्या होता है कि जनरली ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की ही डेफिशिएंसी हो जाती है ठीक है तो ये तो थी मोटी मोटी क्लासिफिकेशन हाइपोक्सिया की तो ये बड़ा जबरदस्त पाँच नंबर का सवाल आ सकता है हाइपोक्सिया की क्लासिफिकेशन का तो इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह याद रखने और सारों में सिर्फ अपने पॉइंट्स ही लिखने क्रिस्प क्लियर तरीके से अच्छा अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इन है तो सारे हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की जो फाइनली ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंच रही इन सारी वजह वजह से तो अब इनमें से कौन से कौन से कॉजेज हैं जो ऑक्सीजन थेरेपी से ट्रीट हो जाते हैं या जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी का फायदा है और कौन से ऐसे कौन से हैं जिनमें ऑक्सीजन थेरेपी का कोई फायदा नहीं है है ठीक ये हम देखते हैं नंबर वन अब आप आप लोगों ने खुद भी साथ साथ सोचना या पॉज करके आप सोच लोगे तो फिर ज्यादा आपको समझ आ जाएगी कि आपका मेंटल पाथ पर क्या बनता है और फिर द राइट राइट आंसर ये अगर आप गलत होते तो, तो आपको पता चल जाएगा किस जगह पर आप गलत हो सो फर्स्ट व्यू गोइंग टू डिस्कस डेफिशंसी ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोसफियर और हाइपोवेंटिलेशन इनमें क्या होगा क्या इनमें अगर हम ऑक्सीजन थेरेपी दें ऑक्सीजन थेरेपी से क्या मराद होता है ऑक्सीजन थेरेपी से यह मराद होता है कि एयर में ऑक्सीजन इज ऑनली ट्वेंटी वन परसेंट एयर के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ट्वेंटी वन परसेंट है अगर हम ये बंदे को हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन दें सांस लेने के लिए थ्रू आ निज़ल कैनोला और मास्क और थ्रू अदर मेथड्स अगर हम हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन दें बंदे को तो क्या इन केसेस में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो पहला केस तो है ही डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आउट एटमोसफियर इसको हम हंड्रेड परसेंट देंगे तो हंड्रेड परसेंट इफेक्टिव होगी मतलब मसला ही ये है मसला ही था कि ऑक्सीजन नहीं है हमने ऐसी ज़बरदस्त ऑक्सीजन दे दी एयर में एयर में कम है यानी कि एयर में ट्वेंटी वन परसेंट से कम है ट्वेंटी वन परसेंट नॉर्मल है ना हम उसको हंड्रेड परसेंट दे रहे तो ये तो जबरदस्त इफेक्टिव होगी अच्छा दूसरे हाइपो वेंटिलेशन यो मस्कुलर डिसऑर्डर है बाहर एयर है मगर वो अंदर ही नहीं लेके जा रहा तो अब क्या हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन इफेक्टिव होगी सोचो यस एक्सट्रीमली इफेक्टिव फॉर हाइपोक्सिया अब आप कहेंगे हैं मसला तो हाइपो वेंटिलेशन का था वो तो अंदर लेके जा ही नहीं रहा ठीक है द पॉइंट इज दिस कि हाइपो वेंटिलेट कर रहा है एपनिया नहीं है यानी कि सांस लेना बंद नहीं कर दिया हाईपो वेंटिलेट कर रहा है जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर एक मिनट में पंद्रह दफ़ा सांस लेना है तो वो पाँच दफ़ा ले रहा है ठीक है फॉर इंस्टेंस जस्ट एज एन एग्जाम्पल या उस आ, उतनी फोर्सफुली नहीं ले रहा टाइडल वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं बन सक रहा तो इन दैट केस वो अपने अंदर ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन ही लेके जा रहा है मगर उसका बहुत थोड़ा सा थोड़ा सा वॉल्यूम लेके जा सकता है अंदर मगर अगर हम उस बंदे को वो थोड़ा सा वॉल्यूम ही अंदर लेके जाए क्योंकि उसके तो रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं कर रहे ठीक है हम क्या करें हम उसे ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन की बजाय हंड्रेड परसेंट अगर ऑक्सीजन दे, दे दें यानी कि फाइव टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन दे, दे दें इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो वो थोड़े से वॉल्यूम में ही वो सारी ऑक्सीजन अंदर ले जाएगा और उसकी हाइपो की वजह से जो हाइपोक्सिया हो रहा था वो स्टिल विद हाइपो वो हाइपोक्सिया ख़त्म हो जाएगा ठीक है सो दिस इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव ऑक्सीजन थेरेपी इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव एन ट्रीटिंग हाइपॉक्सिया ड्यू टू हाइपो वेंटिलेशन मगर अक्सर हाइपो वेंटिलेशन हाइपर कैपनिया भी हो जाता है तो ये इस केस में हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन देने से हाइपर कैपनिया यानी कि रेज्ड कार्बन डाइऑक्साइड को फ़र्क नहीं पड़ेगा हाइपर कैपनिया पर अलग से भी हम आगे आगे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे मगर तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके अच्छा अब आजन जी पल्मोनरी डिजीज पर कि क्या पलमनरी डिजीज में अगर हम पेशेंट को मास्क के नेजल कैनला के थ्रू हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो यस डेफिनेटली फर्क पड़ेगा अभी तक तो सारों में यस yes, यस yes, यस yes, फर्क पड़ ही रहा तो किस तरह फर्क पड़ेगा भाई सेम वही बात है कि एयरवे रेजिस्टेंस है तो एयरवे रेजिस्टेंस में बंदे ने अगर फॉर इंस्टेंस हंड्रेड यूनिट्स ऑफ एयर वॉल्यूम अंदर लेके जाना था और उसके अंदर ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन है तो अब हम उसे दही हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन रहे हैं तो कम भी अंदर लेके जाएगा एयर तो उसी में उसकी ऑक्सीजनेशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइव टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो लंग्स तक पहुँच जाएगी और जो फाइव टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पहुँचेगी तो वह हाइप ऑक्सीज खत्म कर देगी अब इस तरह की रेस्पायरेटरी मेमब्रेन अब आप क्या कहेंगे नहीं जी रेस्पिरेटरी मेमब्रेन डिफ्यू डिफ्यूजन में तो वो एबिलिटी ही नहीं है डिफ्यूज करने की वो एबिलिटिलिटी डिफ्यूज़ करने की कम हुई है खत्म नहीं हुई इस केस में तो सेम अगर आप ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन दे रहे हैं और वहां उस से उसमें से डिफ्यूज करके छोड़ी थोड़ी 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 डिफ्यूज करके फाइव परसेंट अगर आगे जा रही है तो जस्ट इमेजिन अगर हंड्रेड परसेंट हम ऑक्सीजन एलव्यूल तक पहुँचाएं तो उसमें से डिफ्यूज कर करके कितनी पहुँच जाएगी ट्रीट हाइपोक्सिया तो इन सारे केसेस में इट इज हाईली इफेक्टिव ठीक है ओके कमिंग डाउन टू राइट टू लेफ्ट कार्डिक शंट्स इसमें क्या होगा एनी केसेस राइट टू लेफ्ट कार्ड में इफेक्टिव टू सम एक्सटेंट ठीक है ज्यादा इफेक्टिव नहीं है द पॉइंट इज दिस कि इसमें ब्लड का कुछ पार्ट लंग्स से होके गुजर ही नहीं रहा अब भाई जो ब्लड लंग्स से होके गुजर ही नहीं रहा तो उसको तो हम ऑक्सीजनेट नहीं कर सकते ना वो तो डिऑक्सीजनेट ही रहेगा तो इसलिए इसका फायदा उतना नहीं है मगर यहां पर टू तो आप पूछेंगे अच्छा तो ये फिर टू सम एक्सटेंट क्यों इफेक्टिव है वो सम एक्सटेंट इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ब्लड का कुछ ही पार्ट है जो लंग से होके नहीं गुजरा मगर बाकी पार्ट तो ब्लड का लंग से होके गुजर है फॉर इंस्टेंस फिफ्टी परसेंट शॉर्ट हो जाता है और फिफ्टी परसेंट लंग के पास चला जाता है अब जो फिफ्टी परसेंट ब्लड लंग के पास चला जाता है उसकी ऑक्सीजनेशन तो हम ज्यादा कर सकते हैं ना जो कि पहले ही नॉर्मली ऑक्सीजनेट हो रहा है उसकी ऑक्सीजनेट हम फर्दर ज्यादा तो कर सकते हैं ना बाय गिविंग हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन टू सम एक्सटेंट ठीक है बेश के अंदर डिजॉल्व फॉर्म ज्यादा हो या थोड़ी सी ज्यादा हीमोग्लोबिन और ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर ले ठीक है वैसे तो नियरली वो पहले ही हंड्रेड परसेंट सेचुरेट होगी इस तरह की कंडीशन में बट किसी ना किसी फॉर्म में कोई डिजॉल्व होकर कुछ ना कुछ तो ज्यादा चली जाएगी तो इट इज इफेक्टिव टू सम एक्सटेंट अच्छा अब आ गया जाते हैं इनएडिकुएट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू टिश्यूज यानी कि बंदा एनीमिया है जिसमें जिसको हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी ही नहीं कर रही क्योंकि हीमोग्लोबिन पहले ही कम है या हिमोग्लोबन अब नॉर्मल है या अगर वो कैरी कर भी लेती है तो आगे हार्ट फेलियर हुआ है वही हार्ट ही सही तरह पंप नहीं कर रहा थोड़ा सा ब्लड को पंप करके आगे भेज रहा है तो इस केस में क्या होगा क्या ऑक्सीजन देने का फायदा है या नहीं है या थोड़ा सा है इज वेरी स्मॉल इफेक्ट वो वेरी स्मॉल इफेक्ट फॉर इंस्टेंस एक बंदे को आप कहेंगे जी वेरी स्मॉल इफेक्ट भी क्यों है उस बंदे की हीमोग्लोबिन कैरी ही नहीं कर रही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पहली बात है ही नहीं और अगर है तो कैरी ही नहीं कर रही तो वो कौन लेके जाएगा उस ऑक्सीजन को अगर हम ऑक्सीजन की हंड्रेड परसेंट दे भी दें तो हंड्रेड परसेंट देने से क्या होगा कि थोड़ी सी ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में तो उसमें चली जाएगी ना देखो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है प्री प्री डोमिनेंटली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके बहुत थोड़ी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होती बहुत थोड़ी इन द डिजोल्ड फॉर्म ब्लड में डायरेक्टली ही चली जाती है तो हीमोग्लोबिन तो कैरी नहीं करेगा वॉज अ प्री डोमिनेंट परसेंटेज मगर जो थोड़ी सी डिजोल्व फॉर्म में कुछ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो डिजॉल्व फॉर्म में चली जाएगी ब्लड के अंदर वो तो पहुंचेगी ना टिश्यू तक और लीथल केसेस में ये बहुत थोड़ी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ही कैन बी लाइफ सेविंग ठीक है सो बहुत थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिस डिस ऑक्सीजन स्पेशली जब लाइफ सेविंग बात चल रही है भाई ए, एक टिश्यू डेड डेड हो रहा है उसमें हम वन टू थ्री फोर परसेंट भी अगर ऑक्सीजन ज़्यादा कर सकते हैं तो चलो कोई तो इफेक्ट आएगा कुछ ड्रग्स दे दी कुछ और कर दिया फॉर इंस्टेंस हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर में ठीक है आप ड्रग्स दे रहे हैं साथ कि हार्ट ज़्यादा अच्छी तरह काम करे और ड्रग्स दे रहे हैं कि जो कि उससे स्कीम या वो खत्म करें फिर आप साथ ऑक्सीजन दे देते हैं चलो वो भी सारी चीज़ें थोड़ा वन टू 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 परसेंट ऐड करके फिर भी कुछ ना कुछ तो लाइफ सेविंग शायद हो ही जाए ठीक है एंड फाइनली इज इन एडिकुट टिश्यू कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन इसमें बताएं कि इफेक्ट है अभी तक तो हमने पढ़ाया ना कि ऊपर वाले जो पहले दो तीन थे कॉजेज उनमें हाईली इफेक्टिव फिर यहाँ पर जाके मिड वाले कॉजेज में टू सम या वेरी स्मॉल इफेक्ट हो गया अब इसमें बताएं इन एडुकेट टीशू में कैपेबिलिटी है ही नहीं ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की क्योंकि साइनाइड पॉजिटिंग ने साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को वैसे ही ब्लॉक कर दिया अब बताएं तो इस केस में नो मेजरेबल बेनिफिट आप जो मर्जी कर लें जितनी मर्जी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डाल दें जितनी मर्जी ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुँचा दें टिश्यू ने इस्तेमाल ही नहीं करनी जब टिश्यू ने इस्तेमाल ही नहीं करनी तो कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं नो मेबल बेनिफिट ठीक है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली एम सी क्यूज में बड़े घुमा पर आके इसमें से बहुत से बन सकते हैं आ, और आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं उसको थोड़ा सा समझ के करेंगे तो फिर आपको याद रहेगा और इसमें से पूरे का पूरा घमाशन नंबर का सवाल भी बन सकते हैं